हेलो चिल्ड्रन, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई एम अमिता। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोशल इंसेक्ट। डू यू नो चिल्ड्रन, इंसेक्ट लाइक बीज, आंट एंड टर्मिट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट। बीज, आंट्स एंड टर्मिट्स are called social insect. Social insect, they have a social structure. Bee, ants and termites have a social structure that includes a well defined system of division of labor. ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जैसे बी है, आंट्स है, टर्मिट्स है, इनके ये सोशल इंसेक्ट कहलाते हैं। इनमें वेल डिफाइन एक संतुलित बना हुआ सिस्टम होता है, लेबर के अनुसार विभाजित होता है। लेबर मीन्स यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर इनके कार्य के अनुसार विभाजित होता है। तो यहाँ सम पॉइंट्स नोटेड हियर, यहाँ हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। यू कैन इजली नोट डाउन इन योर नोटबुक। इंसेक्ट लाइक बीज, आंट्स एंड टर्मिट्स आर कॉल्ड इंसेक्ट। दे हैव ए सोशल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड ए वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। दे हैव ए सोशल स्ट्रक्चर that includes a well defined system of division of labor. Here we will discuss about ants. Ants. An ant colony is a group of ants that live together. जो आंट्स होती हैं, चींटियां होती हैं, ये कॉलोनी में, ग्रुप में रहती हैं, एक साथ ग्रुप में, कॉलोनी में रहती हैं। ए कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ सेवरल अंडरग्राउंड चैम्बर्स। इनकी जो कॉलोनी होती है वो अंडरग्राउंड चैम्बर्स के रूप में बनी होती है। यहाँ मैं आपको कुछ ड्रॉ करके इनकी कॉलोनी दिखाते हैं। ये एन आंट कॉलोनी, सपोज दिस इज आंट कॉलोनी। This is some chambers, underground chambers. Underground chambers. This is the underground chamber. ये shoulder ant, this is a forger ant,
And here is the large chamber, nursery ant, nursery chamber, some ant larvae live here. छोटे छोटे जो larvae हैं ants के वो यहाँ पे हैं और this is the ant and queen chamber. This is a queen chamber and ये queen. This is a queen. तो level here. Shoulder ant. Shoulder ant, foreager ant, larvae. Nursery and this is a worker ant. Worker ant. Nursery worker ant. Nursery worker ant. Queen chamber. This is a queen chamber. And X. Some eggs found here. Eggs and queen. Queen and ant colony. The ant colony. So here social insect. Insect like bees, ants and termites are called insects. They have social structure that include a well-defined system of division of labor. Here roughly diagram here show here an ant colony. This is a soldier ant, foreager ant, queen ant, this is a larvae, worker ant, and queen chamber, and eggs, this is a queen. तो ये ant chamber है जो यहाँ हमने define किया है. तो easily हमने define किया कि social insect क्या होता है. Insect like bees, ant and termites are called social insect. They have a social structure that includes a well-defined system of division of labor. तो हम यहाँ define करते हैं कि जो social insect होता है जैसे bees हैं, ant है, termites हैं, इनके social, ये social insect कहलाते हैं और इनका एक social structure होता है जो एक well-defined system के तहत division of labor के तहत underground chamber में बना होता है. ये जो हमने यहाँ पे दिखाया आप easily इसको draw कर सकते हैं, a ant colony.
या इजली आप देख सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अबाउट आंट्स, आंट्स कॉलोनी, द क्वीन आंट, मेल आंट, वर्कर आंट, सोल्जर आंट, फॉरगर आंट, वी विल डिस्कस. एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस रेड बटन. प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मैं चाहती हूँ ये एजुकेशनल चैनल जो मेरा बड़े बड़े टॉपिक से छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए निकाल के लाई हूँ उन तक पहुँचे जो इसको देखना चाहते हैं, जिनको जिनको बहुत सी सुविधाओं से वंचित हैं. अभी बच्चे बहुत जगह पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और ईज़ली वो उन तक पहुँचाएँ. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.